Welcome once again to second part of the chapter force and pressure. We have already studied in the first part about force, effect of force and net force. So students, in this part we will discuss about the types of forces. Now let us see. Students, in first part में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फोर्स कैन चेंज स्पीड, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, फोर्स कैन क्रिएट मोशन, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कैसे फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात करते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में. तो देन फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, ए फोर्स विच कैन बी एग्जर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट ओनली थ्रू ए फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स. तो कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स हमारे आ जाते हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स. तो वन बाय वन करके पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है. फोर्स दैट एक्ट ओनली व्हेन टू बॉडीज ऑन फिजिकली इन कॉन्टैक्ट. सपोज करो स्टूडेंट कि जब किसी डोर को हम लोग ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, तो उस डोर को ओपन और क्लोज करने में जो हमारा हैंड होता है, ठीक है, वो क्या करता है, फिजिकली कॉन्टैक्ट रहता है उसमें, ठीक है. तो फोर्स जो एग्जर्ट होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, अगर वो दोनों बॉडी का फिजिकली एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होने पर वो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स करते हैं. अब जैसे हम लोग किसी बॉल को क्या करते हैं, किक करते हैं, किससे करते हैं, अपने पैर से किक करते हैं, हॉकी से बॉल को किक करते हैं, तो वहाँ पर भी टू बॉडीज एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में है, ठीक है. लेमन को स्क्वीज किए या इन्फ्लेटेड बैलून को, स्क्वीज किए, तो ये सब सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, तो जब टू बॉडीज एक दूसरे से फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते हैं और एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, वैसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स. अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मस्कुलर फोर्स, द फोर्स एग्जर्टेड बाय मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, द फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे एनिमल्स हैं और अपने ऊपर कुछ लोड को कैरी कर रहा है, यानी कि यहाँ पर लोड जो कैरी हो रहा है, फोर्स एग्जर्ट हो रहा है और उस लोड को कैरी करने वाले जो एनिमल्स हैं, ये दोनों का क्या हो रहा है, फिजिकल टच है. यहाँ पर रोप को दोनों टीम एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, पुलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है. लेकिन जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है तो क्या है, ये रोप इस टीम के भी हैंड में है, यानी कि मसल्स, यहाँ पर फोर्स का काम कौन कर रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है, तो मसल्स लगा रहे हैं. तो ए फोर्स विच कैन बी एग्जर्टेड बाई मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स मतलब कि फोर्स तो लग रहा है, वर्क हो रहा है, ठीक है. मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फोर्स दैट इज इनेबल अस टू डू एनी वर्क, तो यहाँ पर भी कोई वर्क हो रहा है. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि ये जो एनिमल्स है उस कुछ मतलब लोड को क्या कर रहे हो, कैरी कर रहा है, तो यहाँ पर भी जो लोड और एनिमल्स के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, फिजिकल टचिंग है. यहाँ पर भी दो टीम बने हुए हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों टीम एक दे मतलब कि रोप को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है. लेकिन उस रोप का जो फोर्स एग्जर्ट, इन लोग रोप पे जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं दोनों टीम, यहाँ पर क्या है, फिजिकल टच है. किसका फिजिकल टच है, तो मसल्स का हो रहा है. तो मसल का आप लोग समझ गए कि जो फोर्स मसल्स के द्वारा एग्जर्ट होता है किसी भी बॉडी पर, उसे हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स करते हैं. एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं. मान लीजिए कि मैंने कुछ, यहाँ पर तो ये हैवी लोड नहीं है, मतलब एक सिंपल सा ही लोड मैंने अपने हैंड में क्या किया है, कैरी किया है इसको. तो जब हम इसको कैरी किए हैं तो ये लोड और मेरे हैंड का क्या है, फिजिकल टच है. और फिजिकल मतलब हैंड जो है इस लोड पर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है. तो जहाँ पर भी फिजिकल कॉन्टैक्ट होने पर दो बॉडी का फोर्स एग्जर्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स. और ये कॉन्टैक्ट फोर्स के ही ये सब एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट,
अब जैसे हम लोग देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या करता है, हमेशा फोर्स को अपोज करता है। कैसे फोर्स को अपोज करता है पहले हम लोग इसको देखें। फ्रिक्शनल फोर्स का एक मतलब कि फोर्स के बाद में प्रेशर, प्रेशर के बाद फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ाऊंगी, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ लीजिए कि एक ब्लॉक है, ठीक है। अगर इस ब्लॉक को हम लोग क्या करने के लिए अनदर प्लेस पर ये करने के लिए एक फोर्स लगाएं हम लोग यहाँ पर, मान लीजिए कि ये फोर्स कितना है 50 न्यूटन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, सपोज दैट कि यहाँ पर हम लोगों ने इस ब्लॉक पर फोर्स लगाया है 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन जो फोर्स लगाया है, तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस फोर्स का, अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ लगता है, ये सरफेस और ये सरफेस के बीच, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के सरफेस और यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्या होगा, इसको डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा। अब जो हमको इस ब्लॉक को अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट हमको इसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया फ्रिक्शनल, इट इज़ द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द सरफेस ओवर एन ऑब्जेक्ट व्हेन एवर द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द सरफेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्रिक्शनल फोर्स आपको दिखाया गया है कि कैसे अपोज करता है मोशन को। नेक्स्ट सेम वही चीज़ है, पुशिंग फोर्स, मान लीजिए कि फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को अपोज करता है, यानी कि फोर्स जिस डायरेक्शन में रहता है उसके वो उल्टा लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए इसका डायरेक्शन ये वाली हो गई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ए फोर्स विच कैन बी एग्जर्टेड बाई एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट आर नॉट फिजिकली इन कॉन्टेक्ट। अगर ये जो फोर्स होते हैं, एक बॉडीज जो दूसरे बॉडीज पर फोर्स लगाते हैं उसमें दोनों बॉडी का फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं रहता है, तो इसमें कौन कौन से फोर्स आते हैं, तो इसमें हमारे जो फोर्स आते हैं हम लोग पहले देखते हैं कौन से फोर्स आ गए, मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एग्जर्टेड बाई मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। मतलब मैग्नेट जो किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स एग्जर्टेड बाय मैग्नेट्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो जो मैग्नेट जो होते हैं वो कौन से ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। ए मैग्नेट एग्जर्ट फोर्स द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन स्टील निकल कोबाल्ट, ठीक है। मैग्नेट्स इन्हीं सब चीज़ों पे अपना क्या करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है, क्योंकि वह वुड से बनी चीज़ों पे, प्लास्टिक पर अपने फोर्स को क्या कर सकता है, एग्जर्ट नहीं कर सकता है। तो फोर्स एग्जर्ट बाय मैग्नेट्स ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये यह शो कर रहा है कि जब किसी आयरन नेल्स को या स्टील से बने किसी ऑब्जेक्ट को या कोबाल्ट से बने किसी ऑब्जेक्ट को किसी मैग्नेट के जैसे ही हम लोग नियर लाते हैं, जैसे इसके पास लाते हैं, तो ये मैग्नेट जो होता है इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एग्जर्ट करता है और ये ऑब्जेक्ट जो होता है इसके तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो मैग्नेट इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एग्जर्ट किया है उसे हम लोग कौन से फोर्स कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो अब क्या मैग्नेट सारे चीज़ों पर फोर्स को एग्जर्ट कर सकते हैं, नहीं, वैसे चीज़ों पे फोर्स एग्जर्ट करता है जो कि क्या चीज़ से बने होते हैं, आयरन से, निकल से और कोबाल्ट से। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने आप पढ़ चुका है कौन से चैप्टर में, नेचुरल फेनोमिना में, तो इस पर ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एग्जर्टेड बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। जब फ्रिक्शन के थ्रू दो बॉडीज़ को जब हम लोग रब करते हैं तो दोनों बॉडीज़ क्या हो जाते हैं, चार्ज होते हैं, उसे हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे कि एग्जाम्पल से दिया हुआ है, जब हम लोग कम्ब को अपने ड्राई हेयर में क्या करते हैं, रब करते हैं, तो ये कम्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है और मतलब कि पेपर के पीसेस को
थोड़े से डिस्टेंस से ही वो क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, नॉन कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकल टच नहीं रहता है। जैसे ये कम्प चार्ज हुआ, ये पेपर के पीसेज को क्या करता है, डिस्टेंस से ही अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यानी कि कम जो है उस पेपर पे जो फोर्स एग्जर्ट किया है, जैसे कि हम बता रहे हैं कि कम जो है वो ड्राई हेयर में जब हम लोग इसको रब करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है और उसके बाद पेपर के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। हम लोग जब इसको थोड़े से मतलब कि डिस्टेंस में ही रखेंगे तभी वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ का एग्जांपल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एग्जांपल हो गया नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का, ठीक है। अब हम लोग जैसे देखते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वी नो दैट लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल एंड सिमिलरली एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। लाइक चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्स कर रहा है। ये भी दो नेगेटिव चार्ज है, मतलब सेम चार्ज है, क्या कर रहे हैं, रिपल्स कर रहे हैं। ये न्यूट्रल है, इसमें कोई भी एक्टिविटी शो नहीं हो रही है, और यहाँ पर एक दूसरे से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्ज है। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स एग्जर्टेड बाय अर्थ ग्रेविटी ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रेविटी के कारण कोई भी जो अर्थ में जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, फॉल्स डाउन होता है, ठीक है। न्यूटन्स ने भी यही कहा है कि इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, अगर उसका मास है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी इज ए प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय द एवरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स एंड नॉट ओनली द अर्थ। हेंस ऑल द प्लैनेट्स, द मून्स एंड इवन द सन हैव ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ देयर ओन। मतलब कि जितने भी, केवल अर्थ पे ही नहीं, जितने भी यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, पुल्स करता है, अपनी ओर खींचता है, अगर उस ऑब्जेक्ट का मास है तो। ये केवल अर्थ में नहीं होता है, किसी भी प्लैनेट पर, मून पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स मीन्स जो मैंने आपको पढ़ाया उसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वी पुश ए, आंसर दिया हुआ, वी पुश ए बाइसाइकिल टू मूव इट, वी पुल द टेबल टू चेंज द पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ द सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको पढ़ाया जा चुका है, वेन वी प्रेस द फोम इट्स शेप इट्स चेंज, या प्रेस, आप फोम के जगह आप लोग बैलून भी लिख सकते हैं, या फिर इसके जगह आप लोग स्प्रिंग भी लिख सकते हैं, स्पंज भी लिख सकते हैं। वेन वी स्ट्रेच द रबर बैंड इट्स शेप इज चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग ए टूल, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू द हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। हम लोग जानते हैं कि जो हैमर होते हैं, जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, गर्म करके आयरन को उस पर हीट करते हैं, तो उसकी उससे क्या होता है, आयरन का जो शेप हो जाता है वो चेंज हो जाता है। द फोर्स ड्यू टू द हैमरिंग कॉज द चेंज इन द शेप ऑफ आयरन एंड आयरन कैन बी मोल्डेड इन द शेप ऑफ द रिक्वायर्ड टूल। लास्ट क्वेश्चन, नेम द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड, डिस्कस व्हाई द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग ए चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन। इसके एग्जांपल क्या होंगे, इसके आंसर क्या होगा, मस्कुलर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स में क्या क्या है आपके, मस्कुलर फोर्स, और क्या आए आपके, फ्रिक्शनल फोर्स, और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ओके।